बीच कानपुर से एक अहम खबर सामने आ रही है। कानपुर से आम जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर आपको बता दें कि तबादलों के बाद भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी नहीं छोड़ रहे हैं अधिकारी। तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी नहीं छोड़ रहे हैं अधिकारी, तबादलों के बाद भी यहां पर अधिकारी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी नहीं छोड़ रहे हैं। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, तबादलों के बाद भी अथॉरिटी नहीं छोड़े जाने की बात सामने आई है। और आपको बता दें कि शासन से एक माह पहले हुए तबादले, लेकिन अथॉरिटी न छोड़े जाने की बात, करीब आधा दर्जन अधिकारी नहीं किए जा रहे हैं रिलीव। तो करीब आधा दर्जन अधिकारी रिलीव नहीं किए जा रहे हैं, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, फिलहाल यह अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर जीएम स्तर के अधिकारी भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने नहीं किए रिलीव। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और तबादलों के बाद भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से अधिकारी नहीं किए जा रहे हैं रिलीव। यूपी सीडा के कई अधिकारियों का कानपुर तबादला हुआ है। यूपी सीडा के कई अधिकारियों का कानपुर तबादला हुआ और यूपी सीडा के मुख्यालय नहीं पहुंचे ट्रांसफर हुए अधिकारी। तो ट्रांसफर हुए अधिकारी मुख्यालय नहीं पहुंचे हैं, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, फिलहाल ये बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि शासन से एक माह पहले हुए थे यूपी सीडा में तबादले। तो एक माह पहले तबादले होने की बात सामने आई थी और फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। उस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और करीब यहां पर बताया जा रहा है कि यूपी सीडा में अधिकारी न होने से उद्यमी भी परेशान है। तो अधिकारी न होने से उद्यमियों के परेशान होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।